जब कम मतदान होता है तो उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ता है और अधिक मतदान का भी फायदा उनको मिलता है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट एक बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। 26 अप्रैल को उन पर दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट और स्पेशल कोर्ट यहां पर फैसला सुनाने वाली है। महिला बाल खिलाड़ियों के साथ जो कथित यौन शोषण का मामला है उसके ऊपर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि 26 अप्रैल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामला सामने आएगा और जो फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद ही कैसरगंज सीट से चुनावी मैदान में किसी उम्मीदवार को उतारने की रणनीति पर काम किया जाएगा। लेकिन भाई आजकल अलग सीन है ना। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जिस तरीके से अभी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला है, ऐसे में अब अलग अलग तरीके के कयास लगाए जाने चालू हो गए हैं। आपको बता दें, उनका अब कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या वाकई में वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या भाजपा की कोई मजबूरी है कि उनको टिकट देना ही पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल है हमारे साथ और हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर किसी और गठबंधन के साथ वहाँ पर अखिलेश यादव या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार सियासी गहमा गहमी मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी विवादित चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाए जिससे कि पार्टी की छवि पर कोई प्रभाव पड़े। और हमने पहले चरण के मतदान में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माही, यहाँ पर देखा है कि औसत से कम यहाँ पर मतदान रहा है और इस मतदान के संकेत कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पिछला जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें हम 10 साल का, उस 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में हमने ये देखा है कि जब कम मतदान होता है तो उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ता है और अधिक मतदान का भी फायदा उनको मिलता है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट एक बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। 26 अप्रैल को उन पर दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट और स्पेशल कोर्ट यहां पर फैसला सुनाने वाली है। महिला बाल खिलाड़ियों के साथ जो कथित यौन शोषण का मामला है उसके ऊपर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि 26 अप्रैल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामला सामने आएगा और जो फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद ही कैसरगंज सीट से चुनावी मैदान में किसी उम्मीदवार को उतारने की रणनीति पर काम किया जाएगा। लेकिन आपने एकदम सही बात कही, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने वरुण गांधी और इनको लेकर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अटकलें अब लगाई जा रही है कि इन दोनों ने काफ़ी अपने विवाद अपने लिए खड़े कर दिए, पार्टी के लिए खड़े कर दिए, जिसकी वजह से उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है, ऐसे में अब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भी अटकलें और तेज हो गई। दिनेश, तो ऐसा क्या लगता है कि वो सपा के साथ जाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, वरुण गांधी की बात करें तो पीलीभीत सीट से उनका टिकट कट जाएगा ये कोई इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, कोई इसकी आशंका नहीं थी। लेकिन भाजपा ने आधार जो बनाया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, यहाँ से वरुण गांधी, जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलना, अग्निवीर योजना हो, किसानों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कहीं ना कहीं इन लोगों ने किया है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नहीं चाहती कि किसी भी संगठन में ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ा पद दिया जाए, कोई खास तवज्जो दी जाए, जिसके आधार पर पार्टी के आगामी वक्त में यहाँ पर किरकिरी होती हुई नजर आए। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की अब यहाँ पर बात काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ देश के शीर्ष महिला खिलाड़ियों ने इनके खिलाफ आंदोलन किया था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में वो मौजूद है। ऐसे में दोबारा से टिकट दी जाती है, कहीं ना कहीं पूरे देश में इस चीज़ का एक संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा, और इसी आधार पर कहीं ना कहीं भाजपा को इसका नुकसान का डर सता रहा होगा। ऐसे में अभी तक कैसरगंज सीट से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अभी आने वाले दिनों में भाजपा उनको टिकट देगी या फिर उनकी पत्नी और बेटे को लेकर अटकलें तेज थी, क्या उनके परिवार से किसी को टिकट मिलता हुआ दिखाई देता है? अभी तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।